नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक वह है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका जो कि इस किताब में चैप्टर नंबर 10 में दिया गया है और इसमें आपका लगभग 150 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू दिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और आपका इसमें दो पार्ट का वीडियो बनेगा, ठीक है। इसमें हम दो पार्ट में इसको कवर करेंगे। पहले पार्ट में आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन मिलेगा और दूसरे पार्ट में भी लगभग आपको 70 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये वीडियो आपका जो बन रहा है ये आपका रिविजन पर्पज से भी बन रहा है, जिन बच्चों ने साइंस एंड टेक अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कहीं से भी क्लियर किया हो, कोई भी चैनल से पढ़ा हो, तो यहाँ के अपना सेफ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन इज, तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी INS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर टू है, वन मिनट बड़ा कर लेता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। टू करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टू ओनली आर राइट है। तो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम INS इज ए वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन। ये आपका सही है। इनॉग्रल INS वाज हेल्ड इन इंडिया इन 2015 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो थ्री करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का फोर है, इन जुलाई 2019 द स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2 वाज लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो फोर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का फाइव है, बैरियाट्रिक सर्जरी, तो बैरियाट्रिक सर्जरी मेक्स चेंजेस टू ए पर्सन, तो फाइव का ऑप्शन बी डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज मार्बल कैंसर, तो सिक्स का ऑप्शन बी कोरोजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसी ड्रेन। सेवन नंबर क्वेश्चन है, डॉली द फर्स्ट क्लोन्ड लिविंग बी क्रिएटेड एट रॉसली इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड वर्क, तो सेवन का ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर निर्भय इन अप्रैल 2019 इट इज, एंड एट का ऑप्शन नंबर सी सब सोनिक मिसाइल। तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर निर्भय इन अप्रैल 2019 इट इज एंड सब सोनिक मिसाइल। क्वेश्चन नाइन है, द इंडियन शिप दैट विल मेक पार्ट इन द 8th इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, नाइन का ऑप्शन नंबर सी INS सरयू। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, ठीक है। तो आपका जो है 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड एन इंटरनेशनल समिट विच अडॉप्टेड ए डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल हेल्थ, तो 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड एन इंटरनेशनल समिट विच अडॉप्टेड ए डिक्लेरेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ, ऑप्शन सी दिल्ली। 12 नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कंडक्टेड बाय DRDO इन मार्च 2019 फ्रॉम द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड लॉन्च कंप्लीट, तो 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मिशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट HIV ट्रीटमेंट सेंटर एंड क्लिनिक फॉर द लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर एंड क्वीर LGBTQ कम्युनिटी बीन इनॉग्रेटेड, तो 13 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंबई। 14 नंबर क्वेश्चन है, द आई हेल्प इनिशिएटिव टू प्रमोट डिजिटल इलेक्ट्रोरल लिटरेसी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आसाम। क्वेश्चन 15 है, मई 2019 पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर ए सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ने, तो 15 का ऑप्शन बी शाहीन 2। क्वेश्चन नंबर 16, इन 2019 रडार इमेजिंग सैटेलाइट रिसेट 2B वाज लॉन्च्ड सक्सेसफुली बाय द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड इन, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी श्री हरिकोटा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इन 2019 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो न्यू कॉमर्शियली आर्म कॉल्ड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इन द सिटी ऑफ, तो 17 का ऑप्शन बी बेंगलुरु। 18 है, विद रेफरेंस टू रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी व्हाट डज लाइडार स्टैंड फॉर, तो लाइडार स्टैंड फॉर 18 का ऑप्शन नंबर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 19 है, ए न्यूक्लियर पावर आर्टिक आइस ब्रेकर रिसेंटली लॉन्च बाय रशिया हैज नेम बीन, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी यूराल, ठीक है। क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, वंडर द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इज टैक
Satatus की डैश इज बीइंग प्रमोटेड एज एन अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट फ्यूल। तो बीस का राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। 23 का राइट ऑप्शन बी एशियाटिक लाइन। 74 है बायोकेमिकल कंपाउंड डीजेनी। 24 का ऑप्शन नंबर डी कार्बन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। 25 है इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ASCII। तो 25 का ऑप्शन में अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 26 नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट पर्सन। तो नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच ऑन द मून व्हाइल वॉकिंग ऑन द मून। 26 का ऑप्शन बी हिज मास रिमेंड द सेम बट वेट डिक्रीज। 27 राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको बताना है इसमें से सही ऑर्डर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 1, 4। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद आपका हुआ फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसका आपका जो है मैन लैंडिंग ऑन मून, और चौथा आपका हुआ लॉन्चिंग ऑफ फर्स्ट सेटेलाइट बाई इंडिया। ठीक है, तो पहला आपका डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मैन लैंडिंग ऑन मून एंड चौथा आपका लॉन्चिंग ऑफ फर्स्ट इंडिया सेटेलाइट बाई इंडिया। 28 है व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट फ्लाइट प्लेन टू गो ऑन द मून। तो 28 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर मून एक्सप्रेस। 29 है द डैमेज टू द स्पेक्टर मॉड्यूल ऑफ द रशियन स्पेस स्टेशन मीर वाज ड्यू टू। तो आपका जो है 29 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉलिजन विथ ए सोज कार्गो शिप। 30 है द सैटेलाइट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव हेल्प्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए डिटेल्ड एंड कंप्लीट मैप ऑफ अंटार्कटिका। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस है। क्वेश्चन आपका 31 है, सॉरी 30 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कनाडा हो जाएगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर कनाडा होगा। द सैटेलाइट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव हेल्प्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड कंप्लीट मैप ऑफ अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर कनाडा। 31 है विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज यूज्ड फॉर द टेलीकम्युनिकेशन। 31 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयनोस्फीयर। 32 है हु इज द साइंटिस्ट इन हुज ऑनर द चंद्र एक्स रे टेलीस्कोप हैज बीन नेम्ड। तो 32 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 33 है इन द ईयर 2011 नासा लॉन्च ए स्पेसक्राफ्ट टू मार्स नेम। तो 33 का ऑप्शन सी मार्स ओडिसी। 34 है नासा डीप इंपैक्ट स्पेस मिशन वाज एम्प्लॉयड टू टेक डिटेल पिक्चर ऑफ विच कॉमेट न्यूक्लियस। तो 34 का ऑप्शन डी टेम्पल वन। 35 है व्हाट इज द गैलीलियो प्रोजेक्ट। तो व्हाट इज द गैलीलियो प्रोजेक्ट विच हैज बीन न्यूज इन रिसेंटली। तो 35 का ऑप्शन डी ए मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट। ए मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट है बीइंग डेवलप्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो 36 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2 and 3 आर राइट है। तो मैसेंजर मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मरकरी और वॉयगर 1 and 2 एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम, ये सही है। और पहला आपका कैसेनी ह्यूगेंस ऑर्बिटिंग द वेनस एंड ट्रांसमिटिंग डाटा टू द अर्थ, ये गलत है। 37 है पर्सन एंड आपका लिस्ट 1 पर्सन और लिस्ट 2 आपका नोन है। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी देखते हैं क्या है आपका ऑप्शन में। तो सी 4, 3, 1, 2 मतलब कि ए का 4, बी का 3 और सी का 1, डी का 2। तो जॉन सी मैथर का है नोबेल प्राइज विनर 2006 इन फिजिक्स, और माइकल ग्रिफिन आपका है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, और पॉल जी एलियन आपका है। तो पॉल जी एलियन है को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और पियर सेलर आपका स्पेस वॉकर। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो जॉन सी मैथर आपका है नोबेल प्राइज विनर 2006 इन फिजिक्स, माइकल ग्रिफिन आपका है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, और पॉल जी एलियन आपका है को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और पियर सेलर्स आपका है स्पेस वॉकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। आपका कौन सा पेयर इसमें सही से मैच नहीं, ऑप्शन नंबर सी डिस्कवरी स्पेस शटल, ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका सही है। तो कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर कॉप, तो सैटेलाइट प्रोग्राम ये सही है, फैलकॉन
अंडरसी केबल सिस्टम सही है और अटलांटिस आपका स्पेस स्टेशन सही है। 239 में क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीस्ट लाइटनिंग 10 GL10 रिसेंटली इन द न्यूज, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय लासा। 3040 आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना इलिसा प्रोजेक्ट। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। 41 है सेलेना, तो सेलेना 1 इज द लूनर ऑर्बिटर मिशन बिलोंग टू विच ऑफ वन ऑफ द प्रोजेक्ट। 41 का ऑप्शन नंबर सी जापान। 42 है प्रोजेक्ट लून इज रिलेटेड टू। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 43 है इफ लैंड सेट डाटा फॉर एन एरिया इज रिसीव्ड टुडे देन द डाटा फॉर एन एडजेसेंट एरिया टू इट्स वेस्ट विल बी। तो आपका 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज एट द सेम लोकेशन लोकल टाइम। 44 है रिसेंटली नासा हैड लॉन्च्ड OSIR-1S-REx फॉर ए मिशन व्हिच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्रॉम द यूएसए, चूज द मिशन ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी, टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द एस्ट्रॉइड 101955 पेनु एंड टू रिटर्न टू द अर्थ। 45 है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज सिचुएटेड। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी, बेंगलुरु। 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 46 का ऑप्शन बी, रोहिणी द थर्ड इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो रोहिणी द थर्ड इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ठीक है, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जियो करेक्टली। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एल्टीट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर एफ ऑफ द सी लेवल एंड द ऑर्बिटल पीरियड इज 24 आवर। 48 है द फर्स्ट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लॉन्च बाई इंडिया। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। 49 है इन अप्रैल 1982, तो इन अप्रैल 1982 इनसैट 1 वाज लॉन्च फ्रॉम। तो 49 का ऑप्शन नंबर है केप कैनवेरल। 50 है इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग 1994 हर कैपेबिलिटी टू। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी, लॉन्च जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। 51 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटेलाइट Which one of the following satellite is to be launched from India in 1996? So 51 का ऑप्शन बी, IRS-P3। 52 है who among the following was the chairman of ISRO when INSAT-3B was launched? So 52 का ऑप्शन बी, K. Kasturirangan। 53 है ISRO successfully conducted rocket test using cryogenic engines in the year 2007. Where is the test stand used for the purpose located? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। 54 है द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन। तो 54 का ऑप्शन बी, कॉल इंडिया। 55 है एन एस्ट्रोनॉट इन द सैटेलाइट फीस वेटलेसनेस बिकॉज। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओनली 4, ये नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नन ऑफ द अबव राइट है, ठीक है, कोई इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन आपका 56 है An artificial satellite orbiting around the Earth does not fall down. This is so because the attraction of Earth. So 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। 57 एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट, तो एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट कैन बी ट्रैक्ट है, तो एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट कैन बी ट्रैक्ट बाय वेरी प्रिसाइसली फ्रॉम द अर्थ बाई यूजिंग। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन में भी, टू ऑनली इज राइट। तो यह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एट एन अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, ये गलत है। एफएम ट्रांसमिशन ऑफ म्यूजिक इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज एटमोस्फेरिक और मैन मेड नॉइसेज विच आर जनरली फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कैन डू लिटिल हार्म, ये सही है। 59 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट यूज। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 आर राइट। तो असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, आपका तीनों सही है। 60 है इनसेट थ्री इंडिया कम्युनिकेशन सेटेलाइट वॉज लॉन्च इन 2003 फ्रॉम। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंच गुयाना। 61 है इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च GSAT-6 सेटेलाइट फ्रॉम विच रॉकेट व्हीकल। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, GSLV-F08। 62 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 62 का ऑप्शन में सी, बोथ 1 एंड 2 आर राइट।
India launched its first full-fledged meteorological satellite, MEDSAT, in September 2002. For the first time, the space vehicle PSLV-C4 carried a payload of more than 1,000 kg into a geosynchronous orbit. 63A, with reference to Indian satellite launch vehicle, consider the following statement. तो आपका कौन सा statement भी सही है? तो 63 का right answer है, option number 1 only is right, ठीक है? तो आपका PSLV launch the satellite useful for Earth resources monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite. ये आपका सही है. 64 है, India has recently landed its moon impact probe on the moon. Among the following country, which one landed such probe on the moon earlier? तो 65 का right answer है, 64 का right answer है, option number C, China. 65 है, in the context of space technology. तो in the context of space technology, what is Bhuvan satellite in the news? ठीक है, तो आपका भुवन क्या है? तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जियो पोर्टल ऑफ इसरो. तो ये जियो पोर्टल ऑफ इसरो विद 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया. 66 है, विद रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट. तो विद रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू आपका सही है. ठीक, कोई आपका सही नहीं है. Other than USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into space. ये गलत है. AstroSat is a 2000 kilogram satellite placed in an orbit at 1650 km above the surface of the Earth. ये गलत है. 67 है, GSAT-7. तो GSAT-7 the first Navy user satellite was launched on. तो 67 का right answer है option number A, August 2013. 68 है, consider the statement. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आता है? तो 68 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 ओनली आर राइट. तो मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो, तो मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो ऑप्शन नंबर इज आल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड मेड ऑफ इंडिया इन द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. 69 है, विद रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आपका विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज राइट. इंडियन नेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS हैज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट दैट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. 70 है, फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर. तो फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम. 71 है, द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज ड्यू टू. तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूजन. 72 है, व्हाट वाज द फिजिबल, तो व्हाट वाज द फिजिबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एट नागासाकी जापान इन द ईयर 1945. तो 72 का ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम. 73 है, इंडिया कैरिड आउट इट्स फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है. तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोखरण. ठीक है, तो एक मिनट, तो पोखरण सही है आपका. तो इस प्रकार देखा हमने आज का वीडियो. तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसका पार्ट 2 पढ़ लेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.